गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेकर। और आज के ब्लॉग में मैं सबसे पहले संडे रूटीन, आज संडे है तो आज हमारे यहाँ चिकन बन रहा है। रामनवमी के कारण हमारे यहाँ बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं बन रहा था, तो आज सबका नॉनवेज खाने का मन था। तो यहाँ मैंने गरम मसाला में लिया था बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जीरा और तेज़पत्ता और एक सूखी मिर्च मैंने डाली है। और उसके बाद अनियन डाल दिया और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चिकन। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे यहाँ कोई तीता ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं अक्सर तीता बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा वाइटनेस आ जाएगा। तो मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट टू टेस्ट। तो यहाँ मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला जाता है। तो सॉल्ट डालने के बाद मैं यहाँ मसालों की तैयारी कर रही हूँ। मसालों में मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, सॉरी अभी मैंने यहाँ जीरा पाउडर डाला है। उसके बाद ब्लैक पेपर डाला है और अब मैं यहाँ डालूँगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और उसके बाद मैं इसे थोड़ा पानी डालकर मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं इसे डाल दूँगी चिकन में मिक्स करके। और अब मसालों को अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स करने के बाद मैं इसे मीडियम आँच पे तब तक भूंजूंगी, तब तक मसालों से तेल ना छोड़ दे। तो उसी बीच में मसाले मेरे आधे भून चुके हैं। तो यहाँ मैं चिकन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है चिकन मसाला पाउडर, वो डाल दिया है मैंने। मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। तो अब इन्हें अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने यहाँ पानी डाल दिया है और मैं इसे ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाऊँगी। तो उसके बाद मैं इसे ढक के मीडियम आंच पे गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। तो यहाँ मैंने डाला था गरम मसाला पाउडर और ये देखिए मेरा चिकन बनके रेडी हो गया है। और मैं यहाँ धनिया से गार्निश कर रही हूँ। तो और इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को खाना खिला के ड्यूटी भेज दिया है। तो अब शुरू होता है मेरा हाउस क्लीनिंग रूटीन। तो ये हर घर का रोज का रूटीन होता है। हमारे घर हर सुबह इसी टाइप के दिखते हैं जैसे अभी मेरा दिख रहा है। और हर सामान को अपनी जगह पे रखना पड़ता है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को एक जगह रखने के बाद, टेबल वगैरह पोछने के बाद, मैं अब जा रही हूँ झाड़ू लगाने। जी हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं अपने टेबल को पोछ रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी थोड़ा पोछा लगा लिया, क्योंकि झाड़ू लगाते समय नीचे में बहुत गर्दा बैठ जाता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक स्टोन है और इस पर मेरी बेटी ने पेंटिंग बनाया है। ये स्टोन मैंने लाया था गैंगटॉक से। गैंगटॉक से जब मैं रास्ते में आ रही थी तो नदी से हमने ये लिया था। तो यहाँ मैं एक से दो दिन में अक्सर यहाँ क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के कारण यहाँ अक्सर गर्दा बैठ जाता है। तो अब यहाँ शीशे का पॉट जो था आपने देखा, उस पॉट का पानी मैंने चेंज किया और उसके बाद उसमें मैं मनी प्लांट लगा रही हूँ। और इस पानी को हमें हमेशा वीक में एक बार चेंज करते रहना चाहिए। और इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे स्टोन्स और शंख डाल दिए ताकि ये और भी खूबसूरत लगे देखने में। तो यहाँ मैंने मनी प्लांट डाल दिया है पॉट में और अब मैं इसे इसकी जगह पर रख दूँगी। और अभी आप लोगों को ये उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में, बिकॉज़ अभी दिन है और दिन में बाहर की जो रोशनी आ रही तो ये पता नहीं चल रहा। नाइट में इसका लुक बहुत सुंदर आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये नाइट का व्यू। तो गाइज अब मैं चली झाड़ू लगाने। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैं अंदर की ओर से अपने रूम से झाड़ू लगाते हुए आ चुकी हूँ। तो अब मैं कचरा में कचरे को फेंकने जा रही हूँ। कचरे वाले पॉलीथीन में मैंने सारे कचरे डाल दिए थे। तो अब फेंकने के बाद मैं डाइनिंग एरिया में झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये हर घर का रोज का काम होता है, मेरे घर का भी यही है। और आप लोगों को तो पता ही होगा मेरे पास कोई मेड नहीं है, मैं अपना सारा काम खुद ही करती हूँ।
तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पहले मैं अपने रूम बेडरूम में अपने डॉक्टर के बेडरूम में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद अपने गेस्ट रूम में पोछा लगाऊंगी और तब मैं आऊंगी डाइनिंग एरिया में पोछा लगाने। तो अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने अपने गेस्ट रूम में। तो अब मैं गेस्ट रूम से निकल के बाहर आ गई। अब मैं घुसने वाली हूँ किचन में। तो अब मैं जाऊँगी किचन में पोछा लगाने और किचन से निकलने के बाद मैं जाऊँगी पूजा रूम में। पूजा रूम मेरे ये जो फ्रिज आपको देख रहे हैं उसके जस्ट बगल में ही है पूजा रूम मेरा। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा रूम में पोछा लगाने। तो वहाँ भी मैंने पोछा लगा लिया है। तो अब बारी है डाइनिंग एरिया की, जो लास्ट है। डाइनिंग एरिया में मैं सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ क्योंकि इधर लोग अक्सर आके बैठते हैं तो ये एरिया ज़्यादा गंदा रहता है, तो इसलिए मैं लास्ट में पोछा लगाती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी सावर लेने, और सावर लेके आने के बाद मैं अपना रोज का डेली मेकअप कर रही हूँ सिंपल सा। तो ये हर महिलाएं करती हैं डेली वेयर मेकअप, जिसमें बिंदी, काजल, सिंदूर, लिपस्टिक ये सब होता है। तो मैं अक्सर घर में रहती हूँ तो क्रायोन्स लिपस्टिक ही लगाती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ तभी मैं दूसरा कोई लिक्विड लिपस्टिक वगैरह ये सब लगाती हूँ, बट घर में मैं क्रायोन्स ही यूज करती हूँ। तो गाइस, तो अभी मेरा सारा काम हो गया है। मैंने सावर भी ले लिया और मैंने अपना डेली मेकअप भी कर लिया जो हर शादीशुदा महिलाएं करती हैं। तो आज मैंने जो जो चीज़ें आपको दिखाई, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने चिकन बनाया, फिर मैंने घर में झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, उसके बाद मैं सावर के लिए सावर लेकर आई हूँ। तो अब मैंने अपना डेली वेयर जो मेकअप होता है हर शादीशुदा महिलाओं के लिए, तो मैंने वो कर लिया। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करके खाना खाने। तो मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो मैंने खाना भी खा लिया है और मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं, सारे काम हो गए हैं घर के। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। तो आज मैंने आप लोगों को अपना हाउस क्लीनिंग वीडियो दिखाया है, जो हर घर का रोज़ का ही काम होता है। झाड़ू पोछा तो हर घर में रोज़ लगते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।